गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड साक्षी दंजल। मैं जा रही हूँ आज फोर्ट कवर करने। मेरे गेरा फोर्ट मेरे पीछे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी फोर्ट से ही कहते हैं जैसलमेर में स्टोरी स्टार्ट हुई थी। पहले फोर्ट के अंदर ही लोग रहते थे, फिर फोर्ट से बाहर एरिया आता गया, जनरेशन टू जनरेशन अब लोग यहाँ रहते हैं। मज़े की बात पता बताऊँ, मतलब लोग आपसी में रिश्तेदार बहुत हैं। अरे यहाँ पे मैं जिससे मिलती हूँ, ये मेरा रिश्तेदार है। सो आई थिंक सो सारी कहानी फोर्ट से स्टार्ट हुई है। फोर्ट एक मिनी विलेज है, अगर आप लोगों को नहीं पता। और मैं स्टे कर रही हूँ आज बॉबिन के साथ, और मैं आज आपको फोर्ट दिखाने वाली हूँ। सो होप यू आर एक्साइटेड, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। जैसलमेर मेरा फर्स्ट टाइम है। सो मैं हूँ एंट्री पर, और ये है एंट्री गेट। पता है गाड़ियाँ जाती है, बट गाड़ियाँ जो हैं वो इसी लेवल तक जाती है, उसके बाद आपको ऑटो छोड़ते हैं। सो दिस इज़ द एंट्री गेट। नहीं, थैंक यू। सो बेसिकली अगर आपने कुछ मटेरियल लेना है, आके देखती हूँ ठीक है। सो आप यहाँ से ले सकते हो, बिकॉज दे हैव द चॉइसेस। अगर आप लोकल देख रहे हो मटेरियल, या वन ऑफ द फेवरेट ज्वेलरी सेट आई वेयर। सो हम खड़े हैं गणेश पुल के और पास, और पता है ये जो महल है, ये एक राजा जैसल ने बनवाया था। और मेरू को आप पहाड़ के रूप में मतलब कहते हो, सो मेरू जैसलमेर के नाम से ये जगह फेमस हुई। अभी भी पहाड़ में 4000 लोग रहते हैं तकरीबन, जो कि यू नो मतलब क्षत्रिय तो फाइटिंग में थे। और ऊपर से मैं अगर गलत वर्ड ले रही हूँ तो मुझे कमेंट कर देना प्लीज़, हो सकता है मैं भी गलत हूँ कहीं ना कहीं। और दूसरे ब्राह्मण थे, तो वही दो कास्ट ऊपर रहती है। अब हम लोकल एरिया में, आई रियली वॉन्ट टू बाय वन रिंग, आई विल बाय वन रिंग लेटर ऑन, बट हम अभी लोकल एरिया में हैं। और ये जो है ये स्कूल हुआ करता था, जो पैराडाइज होटल है, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। अभी आई एम गोना मेक अ शूट फॉर द रील। म्यूजियम देखने जा रहे हैं हम। जगह का नाम है बारिक हवेली। बारिक हवेली। सो गाइस हमने एक गाइड ले रखा है। आपका नाम क्या सर? मनोज सिंह भाटी। मनोज सिंह। बारी हवेली बोलते हैं, बा बोलते हैं रेस्पेक्ट पर। हवेली बोलते हैं राजस्थान में, घर को। हवेली घर को बोलते हैं राजस्थान में। हवेली का मीनिंग छोटे छोटे विंडो हमारे पास होते रहते हैं। ये है म्यूजियम और हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे। यहाँ पे कहते हैं सिटी का सबसे हाईएस्ट व्यू दिखता है, और यहाँ पे फोटोग्राफी की परमिशन एज सच की नीडेड नहीं है। एंड टिकट जो है इसकी 50 रुपीज़ की है, बोलेगा टिकट जो है उसकी 50 रुपीज़ की है। एंड ये म्यूजियम तब का बहुत पुराना म्यूजियम है। नमस्ते। सो ये पुराना, इतना पुराना सामान है, मतलब ये राजाओं की पिक्चर, ये उस टाइम का फोन। क्योंकि राजस्थान सिल्क रूट होता था, सोना चांदी कपड़ा आयात निर्यात होता था, तो उसी का तरह का ये वर्क के कांसा पीतल प्रणाल लाया गया जापान से। उस टाइम पाकिस्तान वगैरह और सब एक नहीं नहीं स्थान, ये सिल्क रूट था, रेत के टीले होते थे पूरा राजस्थान उसमें, ये जैसलमेर यहाँ से हाथ निर्यात होता है। आज भी आपको हैंड मैंडेड प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कपड़ा हो गया, चादर हो गया, यहाँ के शॉल बनते हैं कैमल रोड के किले के बाहर, लोकल दुकान है के अंदर। सो जितने भी पुराने जमाने के बर्तन, अब तुम शांति रखोगे 2 मिनट। सो गाइस मैं ऊपर जो आई हूँ, ये बेड है पीछे है ना, ये भैया ही बताएंगे इधर, तो आप शांति रखोगे कैसे बताएंगे। ये राजगुरु का बेडरूम है, पूरा रूम बेडरूम में यूज होने वाले टूल्स, जैसे कि ये पुराना एयर मतलब एयर फैन है, कपड़ा गीला करके राजगुरु ठंडी वाले चले, उधर मैंने छड़ी, हर बुजुर्ग आदमी को प्रोटेक्शन के लिए छड़ी छड़ी काम करता था, गुप्ती का 2 राउंड होता था, इनसाइड ये चाकू। अच्छा चाकू जी। होली खेलते थे, सुनो होली खेलते थे तो वाटर गन,
अच्छा ये वाटर गन उस टाइम की है, ये कितनी पुरानी वाटर गन है? ये ज्यादा पुरानी नहीं है, फिर भी 200 साल 300 साल, क्योंकि 456 ईयर ओल्ड अपन स्वामी देख रहे हैं, तो ये 200 साल पुराना। ओके, ये कैमरा मेरे घर पर है, उसका रीज़न है, ये भी मेरे घर पर 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 है, इनका रीज़न है क्योंकि मेरे पापा वो है ना कैमरा रिपेयरिंग करते थे वो, तो ये सब देखे हुए मैंने, ये भी देखा हुआ है, फ़ोन भी देखा हुआ है, ये यहाँ रखे हैं। मैं भाई मैं पापा को बोलते हूँ म्यूजियम ही बना दो कैमरे का। बना सकते कोई ये वही पेंटिंग है, इंडियन कल्चर में कोई भी शुभ काम करते हैं तो गणपति बना। आपका सब नाम साक्षी कहता है, पगड़ी पेंटिंग करता है, रिप्रेजेंट करता है जैसलमेर को। अभी भी एक म्यूजिशियन गया है जैसलमेर का, इमरान खान, खान को आप बोलते रहे जैसलमेर से कौन बोलता है, आमिर खान, सलमान खान, ये लेके जाते हैं अपने कौम को आगे बढ़ाते हैं, तब गए बाकी दूसरे कौम की, कभी सुना जैसलमेर बंदा गया नहीं, ये सलमान खान अभी। तो ऐसे पहुंचते हुए हम टॉप पॉइंट पे, जहां से कहते हैं ये पूरा शहर दिखता है, सो मतलब अभी एक पॉइंट और रहता है हमारा टॉप पॉइंट वो है, एंड बाकी तो भैया ही बताएंगे। चलो भैया आ जाओ बताओ, एक सेकंड देना, आ जाओ ना, गोल्डन सिटी दिखता है पूरा शहर, पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में जैन साधु लोग यूज करते हैं। वो बैक्टेरिया अवॉइड करते हैं, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, नहीं खाते, वो बिना बैक्टीरिया का दही बनाते हैं, वो स्टोन से बनता है, तो इसमें तो दही बनता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, हम नेचुरल लाइफ में जो दही खाते हैं और दही खाया भी बैक्टीरिया के लिए जाता है, तो दोनों प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है। इसका दही सिर्फ जैन साधुओं के हिसाब से हम लोग 100% अवॉइड करते हैं। दूसरा एक सिस्टम है, हम ताबीज बनाते हैं, उर्दू भाषा में लिखा जाता है, हिंदुस्तान में उर्दू लैंग्वेज एज गुड लक लैंग्वेज यूज किया गया है। स्टोन का नेचुरल डिजाइन उर्दू की तरह है, इसके लिए 1200 से 1700 के दरमियान जो भी मॉन्यूमेंट्स बना, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली बड़ा जंजीर, वो था जो मंथ था, उसमें मतलब एनर्जीज होती है जो कि
नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानों पे वो मग मिल जाएगा और उसकी बहुत विशेषताएँ हैं जो उन्होंने बताई, मतलब स्पेशलिटीज़ हैं। अब मैं एंट्री लेने वाली हूँ इसमें, जो 250 रुपये की एंट्री है। ये है रानियों के हाथ, ये नहीं, ये सामने जो जिन्होंने 17 रानियों ने अपनी विजिटिंग आर्ट्स ओके, समर में है 7:30 से 6 बजे तक और विंटर में है 8:30 से 6 भले गाइस। घोड़े बांधने की जगह, देखो पानी पीने की जगह भी और खाद चार डालने के लिए। ये पहला जैसलमेर उनका पेंटिंग, इसी में एक सबसे डिफरेंट गेम बताएंगे 7:30 फीट। आज हम गाइस 7:30 फीट का गेम देखने वाले हैं। यहाँ पे अमिताभ बच्चन भी आ चुके हैं इस जगह पे और उनके सामने उन्होंने फोटो खिंचवाई है, तो ही वाज आल्सो लाइक 6.5 तो ऑब्वियसली, बट उनकी हाइट बहुत अच्छी थी जो किंग थे 7.5 फीट वाले, तो और उनकी मतलब बॉडी बहुत अच्छी थी। अंदर 600 साल पुरानी मूर्तियां हैं। सो अंदर ये मूर्ति कक्ष है एंड स्क्रिप्चर्स हैं उस टाइम के, एंड आई गेस हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस लुक अमेजिंग, मतलब स्क्रिप्चर्स का तो मुझे लगता है कि ये लॉर्ड वमन 15th century गॉडेस ऑफ एडुकेशन सरस्वती माँ, क्योंकि वो वंदना पकड़ी हुई है सरस्वती माँ का पता चल रहा है। एंड देर आर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो कि बहुत पुराने रखे हुए हैं, देवानी हम बोलते हैं, मतलब कि पुराने टाइम का कोर्ट रूम, तो थोड़ा सा इधर देखिए तीनों गेट खुले होते थे, उसमें जनता बैठती थी सामने जैसे अपने टाइम पे कोर्ट। अच्छा, जनता सामने बैठती थी। भारतीय राजपूत राजा है, कोई भी सिंहासन खाली नहीं रहता है, राजा का सिंहासन पीछे देखो ना, राजा का सिंहासन विद कोई भी सिंहासन खाली नहीं रहता है, अशुभ मानते हैं। कहीं पे तलवार देखोगे तो कहीं पे ढाल, ये ढाल रखा हुआ okay. और वहाँ पे वर्क देखो, विंडो लुक लाइक दिखता है वुडन, मैंने कहा था ना पत्थर बहुत पुराना होते है काला हो जाता है वो, एक मिनट, पीले पत्थर पे काम किया हुआ है, 900 साल पुराना काम, नक्शी बोलते हैं, छू के देखो वटो की छू, जो राजा था उनकी ड्रेस है, जोधपुर की जो अमिताभ बच्चन जी अंदर गए थे अपनी फोटो खिंचवाने राजा के साथ। ये चलो आगे चलते हैं। आई नो फरसा महल थोड़े बोरिंग होते हैं, बट यू नो यहाँ पे वॉक बहुत अच्छा आ रहा है।
आप इस पे देखोगे ना, इस पे मतलब कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्शंस का है, क्योंकि आठ दिशा होती है और ये आठ उसमें कटे हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आई एम एब्सोल्युटली राइट। और इसमें भी नकवो बना हुआ है, मतलब ये कलाकारी मतलब एस्ट्रोलॉजी टाइम की है, होप एस्ट्रोलॉजर कनेक्ट कर पाएंगे लाइक मी। एंड ये मुझे लग रहा है ये सन के किरणों के हिसाब से है, क्योंकि देखो इसमें ना ये राशियों के हिसाब से दिख रहा है, ये एक दिख रहा है और ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री, ये थर्टी थ्री थर्टी फोर के हिसाब से है। आई एम नॉट श्योर ये किस वजह से है, सो आई थिंक सो इन उस मतलब डायरेक्शंस की उस वजह से है जहाँ तक है। हम तो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, यहाँ से पूरा शहर दिखता है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये जगह बहुत प्यारी है यहाँ की, एंड यहाँ पे आई थिंक सो कि ये बंद है, यहाँ पे कुछ उस टाइप का होगा ब्यूटी पार्लर है, सुन लो रूप महल और गैलरी है, रूप महल है, यहाँ पे रानिया सिंगार करती थी सुन लो। और यहाँ पे फोक म्यूजिक, यहाँ फोक म्यूजिक तो वैसे भी यहाँ का बहुत फेमस है अगर आपको पता हो तो। अभी कैमल सफारी तुम्हारी रहती है अंकल, मैं डालती है मेरी कैमल सफारी रहती है जो मैं थर्सडे को कंप्लीट करूँगी किसी भी तरीके से। गाइस यहाँ पे जहाँ पे हम आए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग की ऐसी जगह आपस हैं जहाँ पे मतलब देखो बालिका वधू के आसपास का सीरियल्स, और उसके अलावा वो जो तुम्हारा बजरंगी भाईजान। सो अगर आप यहाँ आते हो तो आपको ये तस्वीरों में काफ़ी ऐसी प्लेसेस मिलेगी जो बहुत कॉमन है, मतलब टीवी इंडस्ट्री में बहुत देखी होगी। यहाँ से महल ख़त्म होता है, हम जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट ख़त्म है महल और अभी बज रहे हैं 12। गाइस मैं आई हूँ ये पैरानोमा जैसलमेर रेस्टोरेंट पे, और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, पीछे आप ये चेक कर सकते हो, पूरा सिटी का व्यू है। मतलब बेसिकली ना हम जा रुके हैं ना, मेरे को पूरा घूम चुके, मुझे यही नहीं था हम रुक के कहाँ हैं, मतलब मैं और मेरी गाड़ी, यू नो मैं और मेरी तन्हाई, नॉट एनीबडी एल्स। सो कहाँ से आए थे यार, पता ही नहीं, कहीं से तो आई थी मैं, उधर से आई थी, क्योंकि यहीं ये जो था ना यहीं से एंट्री का गेट है बिल्कुल जहाँ मैं बैठी हूँ ना, आई शो यू, जस्ट ले वाली रोड्स क्रॉस करी थी वहीं एंट्री का गेट है, क्योंकि ना जैसल बाइक से हम मैंने बात करी थी, स्कूटी जो रेंट होती है वो 500 में होती है, एंड आपकी वो रेंट क्या कहते हैं बाइक जो रेंट होती है वो 800 में होती है फॉर 24 आवर्स फॉर अ डे, एक्चुअली पेट्रोल तो आपका ही होता है। व्यू बहुत प्यारा है, और इस वक्त धूप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ द लंच, मतलब लंच और वो, और आज यही खाना है फिलहाल, मेरा फिर से पास्ता खाने का मन था बट रात में पास्ता खा चुकी हूँ, लंच ऑब्वियसली विद द व्यू स्टे कर रहे हैं, वो कुछ उस तरफ है, कुछ उस तरफ मतलब उसी तरफ, इतनी सारी प्रॉपर्टीज मतलब मैं भी बेचार आ रही हूं आज, बट हम यहीं से पैदल 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 निकलेंगे, पैदल स्ट्रेट अप। सो गाइस मैं जैसे कि जैसलमेर में पोर्ट के बाद मुझे जा रही थी, तो आई सॉ हिम एंड अप्रिशिएट द टैलेंट एज इट इज सेड, चलो मुझे जॉब मिल जाओ, नो थैंक यू सो मच। वेल दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, the fort and stay, the food, everything. अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो comment करके बता सकते हो। well thank you so much for watching and tomorrow I'm gonna shift my property, so आपको कल नई जगह दिखाऊंगी, और कल के vlog में बहुत कुछ आने वाला है, I'm gonna go haunted village.